के पूर्वी राज्य ओडिशा के ग्रामीण इलाकों में अपने देवताओं को खुश करने के लिए दंड नाच किया जाता है। सदियों पुरानी मान्यताओं के अनुसार खुद को कष्ट देकर देवी की आराधना करने से लोगों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। विषुव संक्रांति के मौके पर होने वाले दंड नृत्य में देवी काली, देवी पार्वती और भगवान शंकर की पूजा होती है। इस आयोजन में नृत्य के साथ साथ श्रद्धालु जमीन पर लौटने, नंगे पैर चलने और शरीर पर विभिन्न तरह के गोदने करवाते हैं। हमारे पूर्वज सदियों से दंड नृत्य करते आ रहे हैं। देवता प्रसन्न होते हैं और हमारी सभी मुरादें पूरी होती हैं। गांव के सभी लोग इकट्ठा होकर पूजा करते हैं। हम लोग नाचते हैं, गाते हैं और ईश्वर से दुआ करते हैं कि हमारे गांव में सुख और शांति बनी रहे। इस आयोजन में महिलाएं और बच्चे भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए सभी लोग अलग अलग मुद्राओं में रात भर नाचते हैं। राज्य में गंजम और बहरामपुर जिलों के ग्रामीणों के बीच दंड नृत्य काफी लोकप्रिय है और यह बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।